अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भाई। आज मैं आपको पेल का एसी दिखा रहा हूँ, 2022 DC इन्वर्टर, जो बहुत क्यूट है माशाल्लाह से और बहुत अच्छे फंक्शन है इसके, जिसमें आपको 65% एनर्जी सेविंग भी आपको दे रहे हैं, 100% आपको कॉपर दे रहे हैं, प्लस इसके आपके जो पाइप नजर आ रहा है ये देख रहे हैं स्ट्रांग, ये आपका 100% कॉपर, उसको कवर्ड कर दिया है, ऑटो क्लीन का फंक्शन इसके अंदर दे दिया है, और मोड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये बहुत क्यूट फंक्शन इसने पैनल ने लॉन्च किया है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप T3 कंप्रेसर है, उसके बाद लो वोल्टेज है, और करंट एम्पेयर जो इसका है आफ्टर रूम टेम्परेचर 2.5 बता रहा है, और मिनिमम जो ये आएगा 1.7 या 1.4 पे आके रुकता है। 2 साल PCB वारंटी दे रहे हैं, सेवर T3 इन्वर्टर ऑन सीरीज है इसकी, और 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी दे रहे हैं आप ये। तो इस एसी के अंदर दो चीजें बहुत खास हैं भाई, जो कम एसियों में पाई जाती हैं, T3 इन्वर्टर तकरीबन कंप्रेसर जो है तकरीबन एसियों के अंदर आ रहा है, पर इसके अंदर पैर ने ये बहुत पावरफुल कंप्रेसर लगाया है T3। दूसरा आपको मैंने मोड जिक्र किया था, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। इस एसी को आप आधे टंडी भी चला सकते हैं, 1 टंडी भी चला सकते हैं, और 1.5 टंडी भी चला सकते हैं। मर्यादा मुझे कमेंट्स करेंगे तो उसके बारे में जरूर आपको गाइड करूंगा। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं इसका कंप्रेसर, ये भी बहुत क्यूट है, ना बहुत बड़ा बनाया है कंपनी ने, ना ही बहुत छोटा बनाया है, 5 स्टार लेके चल रहा है पाकिस्तान के अंदर ये, और 100% कॉपर है ये। इसके आप पाइप देख रहे होंगे, पाइप भी प्योर कॉपर है, फ्लेयर वगैरह हर चीज कॉपर है माशाल्लाह। और तीसरी खास चीज जो इसमें नजर आ रही है मुझे, इसके फिल्टर, अक्सर आपने देखा होगा इनर के जो फिल्टर होते हैं, आप सामने से ग्रिल ओपन करते हैं फिर फिल्टर निकालते हैं, पेल ने आपको टॉप पे फिल्टर दे दिया है, ये भी एक नई चीज है। ये देख रहे हैं इसका आप करंट, जो ये करंट लेगा मैक्सिमम आपका लेगा 7.9 एम्पेयर, और आफ्टर रूम टेम्परेचर ये आगे रुक रहा है आपका 1.4 एम्पेयर पे, तो हीटिंग भी कर रहा है, कूलिंग भी कर रहा है। एसी तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना दिया पेल ने 2022 में। ये इसका रिमोट देख रहे हैं पेल का, बहुत क्यूट है, टर्बो है, मोड है, फैन है, अप डाउन वगैरह है, सारे फंक्शन है। ये जनरेटर का फंक्शन देख रहे हैं आप, GEN लिखा हुआ है। इस फंक्शन को आप जब 3 दफा प्रेस करेंगे तो आपका एसी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 दफा प्रेस करेंगे वो 1 टन पे हो जाएगा, दूसरी मरतबा प्रेस करेंगे वो आधा टन पे हो जाएगा, तीसरी मरतबा प्रेस करेंगे फिर वो दोबारा 1.5 टन की पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये फंक्शन मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, आप भी इंजॉय करिएगा इंशाल्लाह, आपको भी बहुत फायदा होगा इस फंक्शन से। अब मैं आपको पेल आउटर जो है वो ओपन करके दिखा रहा हूँ। अब देखें माशाल्लाह पेल सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है 2022 के अंदर। कंडेंसर भी देख रहे हैं पूरा का पूरा इसने डबल लगा दिया, और प्योर 100% कॉपर दिखा रहे हैं आपको, ये नजर आ रहा है आपको जैसे। और ये इसका PCB कार्ड लगा हुआ है जिसकी ये 2 ईयर वारंटी दे रहे हैं, और कंप्रेसर में आपको दिखा नहीं सकता इसका क्योंकि कंप्रेसर नीचे है, और कंप्रेसर भी बहुत क्यूट है, 3-3 कंप्रेसर है। अब ये पाइप देख रहे हैं आप, 5 फीट के पाइप से इसको बैंड किया हुआ है, और 100% ये कॉपर से डबल कंडेंसर चला रहे हैं। ये देख रहे हैं इसकी मोटर आप, अक्सर जो एसी मैंने बेचे हैं, काफी एसी मैंने बेचे हैं, कहीं ना कहीं उसमें डंडी होती है, किसी का आउटर फैन जो है डीसी इन्वर्टर नहीं होता, इन्वर्टर होता है किसी का, नहीं होता है किसी का, सादा होता है। अब जो ये मोटर का फैन लगाया है ना, मोटर ये भी आपकी 100% इन्वर्टर है, डीसी इन्वर्टर, यानी कि इनर कार्ड से, इनर से लेकर आउटर के हर पुर्जे तक इसमें इन्वर्टर लगे हुए हैं, और प्योर ये डीसी इन्वर्टर पे वर्क कर रहे हैं। ये इसका कंडेंसर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है माशाल्लाह, और डबल कंडेंसर है, 10 से 15 साल तक ये लीक नहीं होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ, हर चीज़ की मुझे अच्छी और बुराई का सब पता है। तो जिस तरह ये पेल आपको दिखा रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ये 10-15 साल तक कुछ भी नहीं होता इसको। तो भाई जिस भाई को नीड हो मुझे कमेंट्स करें तो ज़रूर बताएं इंशाल्लाह। न्यू गुलशन इलेक्ट्रॉनिक है, कराची में लोकेशन आपके सामने है, बाकी मैं सेंड भी कर दूंगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बाकी स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे होंगे मेरा, और भाई को वीडियो अच्छी लगे किसी भी भाई को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।